मुकेश अंबानी में और इनके में मेरे में क्या फर्क है? इंसान ही है ना। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने समय की वैल्यू को समझा। अपने तो सपने छोड़िए, जो है वो कुछ भी पूरे नहीं कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने समय को इन्वेस्ट किया, समय को इन्वेस्ट किया, हो सकता है कोई व्यक्ति एक साल, कोई व्यक्ति दो साल, कोई व्यक्ति तीन साल, कोई व्यक्ति चार साल, कोई व्यक्ति पांच साल में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है। और आईएमसी में भी बहुत से लोग पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 7 साल से भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऊपर ऊंचाई पे और कुछ लोग उनका कुछ आता पता नहीं। ऐसा क्यों? रीजन, आईएमसी की तुलसी मेरे लिए कितने की है? कितने की है? 150 रुपए की। अच्छा, जो व्यक्ति आज ज्वाइन करेगा उसके लिए 150। अच्छा, मेरे लिए बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 55। और जो आज ज्वाइन करेगा उसके लिए 55। अच्छा, जिस व्यक्ति ने मेरे साथ आज से 10 साल पहले ज्वाइन किया था उसके लिए वही, और मेरे लिए भी वही। लेकिन क्या मेरे साथ जितने लोगों ने आईएमसी ज्वाइन किया, क्या वो सारे के सारे क्राउन प्रेसिडेंट बन गए? नहीं, बहुत से लोग तो चले गए, दुनिया से नहीं, बिजनेस से चले गए, है ना? तो चले गए। ऐसा क्यों है ना? ऐसा क्यों? उसके पीछे एक कारण, सिंगल एक कारण, कि आदमी को अपने ऊपर विश्वास नहीं कि मैं कर सकता हूं। अपने ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर अपने ऊपर विश्वास होगा ना तो आदमी कर जाएगा, और जब अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो नहीं कर पाएगा। आदमी को लगता है कि अपलाइन मेरे लिए करवा देगा, है ना, डाउनलाइन करेगा तो मेरा हो जाएगा। कोई अपलाइन नहीं करवाएगा, कोई डाउनलाइन नहीं करवाएगा, खुद करना पड़ेगा। खुद का डाउनलाइन और खुद का अपलाइन खुद ही बनना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, कहते सर मेरी डाउनलाइन नहीं सुनती, मेरा अपलाइन नहीं सुनता। ये साधारण सी बात है, ये साधारण सी बात है। अब इस हॉल से बाहर निकलिए, जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं, है ना, कोई भी फीमेल किसी भी मेल से पूछ लीजिएगा कि क्या आपके घर